हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पालक की पूड़ी बनाने वाले हैं जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और क्रिस्पी बनेगी एकदम खस्ता। और जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो वो भी ज़रूर मांगेंगे पालक की पूड़ी खाने के लिए, क्योंकि पालक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको बनाने के लिए हमने अदरक, मिर्ची और हरी धनिया ले लिया है। अदरक को कद्दूकस कर लेते हैं और हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें फ्रेंड्स। तो इसको भी हमने छोटा कट कर लिया है। धनिया को भी अच्छे से धुलकर इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें सारी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी कि आपकी पालक की पूड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी यदि आप पहली बार भी बना रहे हैं तो। ये पालक को भी हमने अच्छे से तोड़ लिया है क्योंकि अभी ठंड के सीज़न पे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह रहती है पालक मेथी की भाजी में। तो इसके डंठल को अच्छे से निकाल लिया है और छोटे छोटे पत्ते इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी फ्रेंड्स। तो बड़े हमने टब में पानी ले लिया था और इसमें हमने अच्छे से पालक को धुल लिया है। आप देख सकते हैं कि बड़े टब में पानी लेने के बाद इसमें नीचे बहुत सारी मिट्टी भी बैठ गई थी, तो इसलिए हमने बड़े बर्तन में धुला था। अब पालक को धुलने के बाद इसको काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, नॉर्मल, ताकि इसको ग्राइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर 4 कप गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पर हमने 1/2 कप बेसन लिया है। बेसन की जगह आप मक्के का आटा ले सकते हैं, दोनों ऑप्शनल है, बेसन या मक्के का आटा, दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने सूजी डाल दिया है फ्रेंड्स। तो सूजी और ये बेसन या मक्का का आटा डालेंगे तो इससे पूरी खस्ता रहेगी, करारी बनेगी। और इसका जो पालक का पेस्ट बनाया था तो इसमें मिक्स कर दिया है। बची हुई पालक को भी इसमें मिक्सर जार में ले लिया है और इसके साथ ये जो हमने अदरक, मिर्ची और हरी धनिया है उसको भी साथ में इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं और 1/2 टेबल स्पून सौंफ डाल देते हैं और इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। अब इसको बारीक पीसने के बाद आटे में मिक्स कर दिया है और इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारी पूड़ी अच्छी बनेगी वो सारे मिला लेंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल देते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक मिला देंगे। यहाँ पर हमने चाट मसाला लिया है। चाट मसाला डालने से हमारी पूड़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी और थोड़ी सी चटपटी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर सफ़ेद तिल डाल दिया है और यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून घी डालते हैं, शुद्ध देसी घी, इससे पूड़ी खस्ता बनेगी। और यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून थोड़े से अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को हाथ से क्रश कर लेंगे, इस तरीके से डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा पूड़ी में। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे, ज़रूरत के अनुसार पानी डालना है जब अच्छे से पालक मिक्स हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद अब इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गूंथने के बाद इसका आटा नॉर्मल गूंथना है जैसे पूड़ी पराठे के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। आटा गूंथ जाए तब उसके बाद इसमें ऊपर से घी लगा देते हैं और इसको लगभग 1/2 घंटे के लिए, लगभग 20 से 25 मिनट तो मिनिमम सेट होने के लिए रख दें ताकि अच्छे से आटा फूल जाए। आटा जब अच्छे से फूल जाता है तो पूड़ी अच्छे से फूलती हैं और बढ़िया बनती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि थोड़ा सा इसको फूल जाने दें। इसकी लोई वगैरह बना लिया है, आप छोटी बड़ी जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं लोई में। तो आप छोटी बड़ी जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप पालक की पूड़ी ज़रूर इंजॉय करें, सच में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं पालक, मटर, ये सब पूड़ी। ठंड में तो बड़ा मज़ा आता है इनको खाने में, मेरे बच्चे तो बहुत ही जिद करते हैं इस समय ठंड में ये सब बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं जब हम पूड़ी बनाएंगे तो पूड़ी को फुलाने का ट्रिक यह है कि जब आप पूड़ी बनाएं तो जैसे हम पहले डाले थे तो उसको ऊपर से उस लेयर को थोड़ा सा कलछुरी या झरिए से थोड़ा सा उसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वह पूड़ी फूल जाती है। तो इस तरीके से आप पूड़ी बनाएं फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं इसमें, देखिए हमने थोड़ा सा दबाया तो पूड़ी अपनी आप फूल जाएगी। तो यही ट्रिक है पूड़ी को फुलाने का। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके के वीडियो मैं लाती रहती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।